प्रयास मतलब वो ट्राइंग कोशिश। प्रयास का मतलब तो मुझे भी पता है, लेकिन मैंने कौन सी कोशिश की? अरे तुम अपनी बड़ी आजी और भाई को भेजी हो ना ईशान सर से बात करने के लिए, वो दोनों वहीं बैठे हैं। क्या? बड़ी आजी और दादा तो दगड़ू शेर जा रहे थे दर्शन करने, वो यहाँ कब आए? नहीं नहीं, अभी 10 मिनट पहले ही वो लोग ईशान सर के केबिन का रास्ता पूछ रहे थे, हम अच्छे से बता दिए। तीनों लगता है वहीं बैठ के ना बतिया रहे होंगे। डिस्कसिंग। पापा, बड़ी आजी ईशान सर के साथ बैठी है? कहीं गुस्से में उनकी बेइज्जती ना कर दे सर। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो आप खुद आई हैं? जी हाँ, बात ही इतनी बड़ी है तो मैंने सोचा कि हम खुद ही चलकर आपसे मिल लेते हैं। कहीं आपको सभी ने तो नहीं भेजा है यहाँ पे? नहीं नहीं, उसे तो पता ही नहीं कि हम यहाँ आए हैं, आखिर उसे भी तो हमें सरप्राइज करना है। सरप्राइज? अरे आप फिर से आ गए, आपको मना किया था ना आने के लिए। आपको ईशान सर के आसपास भी नहीं भटकना है, कितनी बार बोलना पड़ेगा? आपकी वजह से ईशान सर ने आपकी क्लास में लेक्चर तक देना बंद कर दिया है और फिर भी आप यहाँ वहाँ घूम रही है। चलिए चलिए, नहीं तो हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। आप समझ क्यों नहीं रही है, मेरी बड़ी आजी और मेरे दादा है अंदर, आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे कोई भी हो आप नहीं अंदर जा सकती, चलिए बाहर, बिल्कुल आपको मना ही है, चलिए बाहर चलिए। ये तो सभी के पास है। अरे अरे, कहाँ जा रही है? सर सर, सभी आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने आपसे कुछ कहा? दूसरों की लाइफ में दखल देने का हुनर कम ही लोगों में होता है, और वो लोग इतने बेशरम भी होते हैं कि मना करने के बावजूद वो दूसरों के कैबिन में और दूसरों की लाइफ में घुसे चले आते हैं। आप लोग दगड़ू शेठ जाने वाले थे ना दर्शन करने के लिए, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? कमाल कर दे इस बाड़ा, तेरा इतना बड़ा सत्कार हो रहा है, तुझे हम सम्मानित करने वाले हैं, और इस फंक्शन में तेरे गुरु को ना बुलाए, ऐसे चलेगा क्या? सत्कार? जी हाँ, हम हमारी छकुली का पूरे जवान समाज के सामने सत्कार करना चाहते हैं। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मुझे अपनी पोती पर नाज है। माफ कीजिएगा पर मुझे लगता नहीं है कि अभी ये उस सत्कार के लायक भी है। लो हो गए शुरू, अब ये मेरी बड़ी आजी के सामने मेरी ही बेइज्जती करेंगे। शान सर, आप ये क्या बात कर रहे हैं? सभी सत्कार के लायक नहीं है, इसने फिर कुछ किया क्या? वही तो बात है, इसने अभी तक कुछ किया ही क्या है। मैं तो आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि ये सत्कार करने से पहले आप लोग एक बार अच्छी तरीके से सोच लीजिए कि क्या ये इतनी समझदार है कि ये उस सत्कार के या फिर उस फंक्शन वगैरह के काबिल है, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ उसके सर पर चढ़ जाए। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार सफलता हमें जब पहले मिल जाती है, किस्मत के पहले, तब वो शराब से कम नहीं होती, जो प्रशंसा के पात्र नहीं होते, और अगर उन्हें वो प्रशंसा मिल जाए तो वो और भी ज्यादा बेवकूफ और जाहिल बन जाते हैं। वो किसी के बारे में नहीं सोचते, वो किसी के जज्बातों के बारे में कुछ नहीं सोचते, उन्हें बस ये लगता है कि वो जो भी बेवकूफियां कर रहे हैं वो उनकी गलतियां नहीं है, वो उनकी खूबियां हैं। ऐसे लोगों को इस तरह की खुशफहमी से बचाने के लिए मेरे ख्याल से आपको एक बार सोच लेना चाहिए कि आप लोगों को इसका सत्कार करना चाहिए कि नहीं, या फिर ये वाकई में उस चीज के हकदार है भी या नहीं।